कपीर जी, ये गूगल का मसला ना, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सपा का समर्थन था, मुलायम सिंह जी का बयान आया कि सारी ही गड़बड़ियों की जड़ कांग्रेस है इस देश में, किसान से लेकर जवान तक दुखी। तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा नेताजी जब सब गड़बड़ी कांग्रेस ही कर रही है तो उसकी सरकार से आप समर्थन वापस ले लो। तो उनने कहा कि मोहन सिंह बैठे थे पास, बोले देखो ये कैसी सलाह दे रहे हमको, बोले हमारे समर्थन से गिरेगी नहीं सरकार, बसपा वाले बचा लेंगे। बोले लेकिन आपको पता है सरकार के हजार हाथ होते हैं, तमाम एजेंसियां हमारे पीछे लगा देगी। ये बात मुलायम सिंह जी ने कही थी उस वक्त, इसका मतलब ये चीजें चल रही होंगी कपीर जी। अमिताभ जी, अब आपने सुनी है तो हम इसको इनकार नहीं कर पाएंगे फिलहाल जी, और वो है नहीं इस प्रमाण को देने के लिए कि जो आपने कथा बताई वो सही है कि नहीं। अच्छा एक मिनट, अखिलेश यादव ने अभी कहा 10 दिन पहले सार्वजनिक तौर पर प्रेस के सामने एक मंच पर कि जो कांग्रेस दुरुपयोग करती रही पहले अब भाजपा कर रही है, तो कांग्रेस अखिलेश ने भी वही बात कही ना जो मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं अमिताभ जी, मैंने उस रेफरेंस में नहीं कहा, हम तो आपको बार बार कहते हैं कि सीखा इन्होंने वहीं से, इसमें कहीं दोहराए नहीं। लेकिन इतिहास से सबक लिया जाता है कि इतिहास को दोहराया जाता है वो भी बढ़ चढ़ कर। मैं तो एक बात कहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुविचारों को भूल गई है? मैं आपके लिए कैप्शन लेके बैठा हूं, ये आप पढ़े, पढ़ के मैं सुना दे रहा हूं। मैंने पढ़ा है। गद्दार का भाव सुन तो ले, जहां विशेष और विरोधियों को गद्दार मानने और भ्रष्टाचारी ठहराने का भाव है वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाह का उदय होता है, यह सुविचार है। मैं इसलिए लेके बैठा हूं कि एक मोदी जी का सुविचार था कि उनको बड़ा परेशान किया गया, इसलिए अब हम भी परेशान करेंगे। और 9 के न्योते में 100 का अलग से पत्ता लगा करके विपक्ष को बैठाएंगे। तो साहब आपको इसके लिए तो समाजवादी पार्टी बधाई दे देती है कि कम से कम आपने ये मान लिया कि आप इन सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं कि अब ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कर रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उसका मिसाल खींचा 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने तोता बताया, अब ये तोता को मैना चील कौआ सब बना दिए। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इनसे भी पूछा था कि चुनाव जो आयोग का कमिश्नर है ये 8 घंटे में यस मैन की नियुक्ति आपने कैसे कर दी, पूछा था कि नहीं पूछा था? सीजीआई का लाइव कॉन्क्लेव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कान में रुई डाल ले और आंख पे काला चश्मा पहन ले वो भी लोहे के तवा का, तो भी ये देश की जनता मुख्य सीजीआई को देख रही है। एक और बड़ी बात कहेंगे आप जी, कांग्रेस ने अत्याचार किया घर या आपातकाल लगा तो संपूर्ण क्रांति हुई, एक संपूर्ण क्रांति और की आगाज की आवश्यकता है, विपक्ष एकजुट है, एक साथ है, और कांग्रेस को सुधरने के लिए एक अवसर देती है। और साथ में और भी सुन लीजिए, ठीक है कपीर जी, अभी रुकना होगा, मैं पवन शर्मा के पास चलूंगा, ठीक है कपीर जी, आते हैं दोबारा, रुकिए पवन शर्मा जी। मुख्य न्यायाधीश के साथ सरकार पे, ठीक है अभी रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ पवन शर्मा, अरे मैंने पवन शर्मा का नाम बोला, अभी रुक जाओ पवन शर्मा जी। कुछ आरोप कांग्रेस ने लगाए, 14 पार्टियां अदालत भी गई हैं सुप्रीम कोर्ट, 5 तारीख को वहां सुनवाई भी होगी। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कुछ अपने उदाहरण अनुभव बताए हैं और कुछ हम लोगों ने अपने माध्यमों से जो अनुभव एजेंसियों के चाल चलन को लेकर एकत्रित किया उनको सामने रखा है। आपकी पार्टी का तजुर्बा क्या कहता है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है आपने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखी है, और देखिए ये पूरा इतिहास हमारा जानता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता आया है। लेकिन आज अमित शाह जी का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी से मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि उनका नाम लेने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था।
तो आज मेरा एक सवाल उनसे थोड़ा सा मन में आ रहा था कि अगर मान लीजिए कांग्रेस ने ऐसा अत्याचार किया, फंसाया गया मोदी जी को या अमित शाह जी को फंसाया गया, तो क्या आज अमित शाह जी सेम वही कर रहे हैं क्या? उनसे सीख के, उनसे एक्स्ट्रा और एक्टिविटी लेके और अच्छी शार्पनेस से कर रहे हैं क्या? सारे विरोधियों को बंद करने की बात कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ईडी का आज कन्विक्शन रेट 0.5% है। संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहा, सरकार ने कहा, कन्विक्शन रेट 0.5%। ये समझ में आता है पिताज भी कि अगर 200 लोगों पे अगर कार्रवाई होती, उसमें सिर्फ एक आदमी पकड़ में आता जिसके पास में जरूर केस निकलता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसे कई सारे नेता रहे, बहुत सारी पार्टियों के रहे, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा। पवन जी एक मिनट, एक तथ्य आपको बता दूं, ये भ्रामक कोटिंग है। ईडी का ऑफिशियल वर्जन है, उस समझ लीजिए, हमें सबके काम आएगा, पॉलिटिशियंस के विरुद्ध जितने भी इनिशिएशन, जितनी भी पहल ईडी ने की है मोदी रिजीम में, उसमें रेट जो है वो 65 या 67% है। इस बात को ना सिर मत हिलाइए, समझ लीजिए भाई साहब, राजनेता तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, फिर अदालत में हाँपते हैं, कहते मेरी जान बख्श दो। नहीं, हम बता रहे ना आपको, एक मिनट भाई। और दूसरा, ये भी विपक्षियों को, पक्षियों को, सबको समझना चाहिए, और हम पैनलिस्ट को भी, क्योंकि गड़बड़ नहीं हो तथ्यों के साथ। दूसरा, ईडी में जितने मामले दर्ज हुए हैं 14 से अब तक, ये भी आंकड़ा समझ लीजिए, उसमें राजनेताओं का प्रतिशत, राजनेताओं का प्रतिशत 10 के अंदर है। अगर 100 केस दर्ज हुए तो 90 दूसरों के, 10 के भीतर राजनेता, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी पिक्चर नहीं बनाओगे देश भर में हर नेता। अभी तो केजरीवाल जी की जो लिस्ट है वही पूरी नहीं हुई। पवन जी, जी मैं आपको शेयर कर दूंगा, संसद के अंदर जो सारा कार्यवाही के अंदर जवाब मिला, उसमें 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। मैंने क्या कहा, राजनेता, ना आप फिर गलतफहमी में, राजनेताओं के विरुद्ध मामलों में कन्विक्शन, वही बोल दूंगा अगली डिबेट में जाके, आप मुझे शेयर करवा दीजिए, मैं अगली डिबेट में वही बोल दूंगा। भिजवा देंगे। 95% विरोधी नेताओं पर केस हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के अदर जो अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं या दूसरी पार्टी रखते हैं, 95% केस हुए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप सबकी जांच करिए, हम जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो नेताओं पर जो दूसरी पार्टी में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, सीबीआईईडी की जांच हुई, हेमंत विश्व शर्मा देखिए, शुभेंदु अधिकारी, बहुत लंबे नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इनको कोट कर रहा हूँ, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो वो सारी सीबीआई ईडी की जांच बंद क्यों होगी, इस पर क्या कार्यवाही, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उस पर सीबीआई ईडी की क्या कार्यवाही हुई, उसको एक घंटे के बाद जेल से, जेल भी नहीं गए, एक घंटे के बाद उसको बेल मिल गई, उसके घर के बाद पटाखे फोड़े जा रहे थे, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। ठीक है जी, अभी रुकना होगा पवन जी, अभी रुकना होगा, एक छोटा सा सवाल है मेरा, ठीक है भैया, रुक जाओ, अरे रुको बाबू, रुको, एक छोटा सवाल आपसे, उसका उत्तर दिए फिर बाकी बात बाद में। जो लिस्ट आपने जारी की थी उस पर आप टिके हो अभी? मान लिए ये एक फैसला हो जाए, इस जो लिस्ट आपने जारी की वो सब उन लोगों को जेल में भेजा जाए, हैं, उस पर आप अभी टिके हो? वो तो आप ही दस्तखत से जारी की थी अपने, जांच होनी चाहिए कि नहीं, सब पे जांच हो जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, अरे हम तो कह रहे, मान लीजिए ऐसा फैसला हो जाए कि आम आदमी पार्टी की कही लिस्ट, दस्तखत की हुई, प्रमाणित की हुई लिस्ट, जिसमें उन्होंने कहा सब मिले हुए हैं जी, सारे चोर हैं, क्या उन सबको अगर जेल भेज दिया जाए तत्काल प्रभाव से, तो आप तो हल्ला नहीं मचाओगे? ये मैं समझना चाह रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जेल भेजेगी, कोई जांच नहीं होगी? एक मिनट, यहाँ दोहरा चरित्र क्या है, अरे रुको भाई, समस्या क्या है गणवीर साहब, अब पवन जी कह रहे हैं कि जांच नहीं होगी, ये सवाल होते हैं, जांच नहीं होगी, जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं अरविंद जी का एक वक्तव्य सुन रहा था, जर्मनी में भी ऐसे हुआ था, अरविंद जी का, अरे रुको भाई, अभी विपक्ष के होते हैं, अरविंद जी का एक बयान सुन रहा था, मोगल दीजिए कम से कम, वो भी प्रामाणिक मंच पर, उन्होंने कहा भाजपा चली जाएगी, जब मोदी की सरकार चली जाएगी तो सारे भाजपा वालों को उठा के जेल में डाल देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये नहीं कहा सारों की जांच कराएंगे, केसों की, एक एक केस की, उन्होंने कहा सारों को उठा के जी जेल भेज देंगे।
साहब कह रहे जांच तो कराओ। गढ़वी साहब कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप। भारत की राजनीति में समस्या यही है, बोले हमारे की तो जांच में, हमारे आदमी को जांच में चलने दो, दूसरे का आदमी सीधे बुक कर दो। सब लोग यही चाहते मुझे लगता है प्रशांत जी। मतलब ये तो ये हो गया कि अभी पॉलिटिकल रिवेंज का जमाना आ गया। मतलब एक समय था कि पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे देश में आजादी के बाद विपक्ष के तौर पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी को मिला है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है, और वही वाजपेयी जी ने उनके शासन में नेहरू जी की एक तस्वीर अगर नहीं दिखी तो वापिस लगवाई थी कि भाई ये क्यों तस्वीर कहाँ गई। और जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में दोनों थे, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रह चुके हैं और उन्होंने वाजपेयी जी को भेजा था कश्मीर के मसले पे। तो ये एक पॉलिटिकल रिस्पेक्ट और अप्रोच एक दूसरे के लिए था, वो पूरा मतलब एक 180 डिग्री चेंज हो गया कि रिवेंज ही लेना है, तुमने मेरे पे ये किया तो मैं तो ये करूंगा। मतलब अब तो ये राह देख के बैठे हैं कि अगर यही सत्ता पलट हो गया तो आपने बोला, मुझे तो लग रहा है अब तो जांच का भी मतलब FIR फाइल करने का भी नहीं होगा। अगर कोई राजनेता का नाम है और वो अपोजिशन है तो सीधा जेल में, कोई FIR का सिस्टम नहीं रहेगा आगे जाके। वो समय बदला, समय का पलटा मैं देख रहा हूं, लेकिन ये कौन सी कैसी राजनीति है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे के नेता के लिए बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दे की चर्चा कहीं नहीं है, न सरकार को ना विपक्ष को, किसी की मतलब किसी को जनता की नहीं पड़ी है ऐसा मान ले क्या? ठीक बात, क्योंकि ना तो कोई महंगाई तो बोल रहा है, ना कोई बेरोजगारी पे। अरे भाई ठीक है प्रशांत जी, पहले खुद बचेंगे, अपनी जान बचाए तब ना जनता की सोचे। तिहाड़ में बैठ के जनता की सोचेंगे क्या? पहले खुद की तो जान बचे, ये बड़ा मसला है भाई, कैसे कैसे कर लेंगे। केवी त्रिपाठी साहब जी, एक बार बात आती है वो भी मुझे लग रहा है, फिर कई बार उस पर हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन पवन जी ने उस इशू को उठाया था, उस पर थोड़ा सी एक आपकी टिप्पणी कांग्रेस से ही है। कुछ कॉमन कुछ नाम हैं जो बार बार नैरेट किए जाते हैं, हेमंत विश्व शर्मा हैं और शुभेंदु हैं और तमाम लोग हैं, नारायण राणे हैं, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, सब पार्टियों वालों के पास हैं वो नाम, 5-6-8-10 नाम जो भी लेते हैं। क्या जो उन राज्यों में जो सरकारें हैं उनके हाथ बंधे तो हैं नहीं? सॉवरेन संप्रभु सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार जैसा भी उनके पास मैकेनिज्म नहीं है कि आधे अधिकार हो, LG हो सिर्फ है क्या? वो तो पूर्ण राज्य की वाली सरकारें हैं, उनके खिलाफ जांच करके जेल भेज देते अब तक नहीं? शुभेंदु के खिलाफ ममता जी जांच कर सकती थी कि नहीं? अमिताभ जी, कौन सा आरोप और कौन सी उसकी जांच है और किस एजेंसी के साथ जांच चल रही, ये भी देखे जाने की। एजेंसी का मसला नहीं, आप ना 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 ना, आपने भ्रष्टाचार किया, राज्य को अधिकार है आपको जेल भेजने का, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं तो वकील साहब से पूछ लेंगे अभी, कभी जेल नहीं भेज सकते। भ्रष्टाचार की जांच तो जहां जो एजेंसी कर रही वही एजेंसी करेगी ना अमिताभ जी, की कोई दूसरा भी जांच कर लेगा? हेमंत बिस्वा शर्मा खुद मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आज मुख्यमंत्री हैं। आप नैरो स्केप कर रहे हैं, मैंने मित्र मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, एक स्पेसिफिक बात कर ले, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक एप्लीकेशन रामलाल देते, कोई श्यामलाल देते, पश्चिम बंगाल में जांच होती उठा बुक कर देते, क्यों नहीं किया? राज्य को अधिकार है भाई,